दसवीं कक्षा की हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। हमने पिछले क्लास में कौन सा पाठ पढ़ा है? माँ मुझे आने दे, माँ मुझे आने दे कविता आपको हमने समझाया है। आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? हाँ समझ में आया, ठीक है। अभी माँ मुझे आने दे कविता जो आपको समझा है, इस पाठ के संबंधित जो प्रश्नोत्तर है, इस प्रश्नोत्तर को हम आपको बताएंगे। सब लोग भी अपनी हिंदी नोटबुक भी और पेन लेकर मैं जो कहूंगा प्रश्नों के उत्तर बताऊंगा उसको आप लोग अपने पुस्तक में लिख लीजिए, ठीक है ना? चलिए पहले सब लोग भी अपने पुस्तक भी खोलिए, हिंदी पुस्तक और नोटबुक भी, है ना? हाँ, और क्या है, पेन भी हाथ में रखें, ठीक है। देखिए अर्थक रहेगा प्रतिक्रिया, आप इसमें देखिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, लिख लिए नहीं जस्ट दीजिए। माँ मुझे आने दे कविता आपको कैसे लगी और क्यों? माँ मुझे आने दे कविता है ना, आपको कैसे लगी और क्यों आप लोग लिखना है। भ्रूण हत्या एक सामाजिक अपराध है, क्या भ्रूण हत्या का दहेज प्रथा से संबंध है? दहेज प्रथा वरकटना है ना, भ्रूण हत्या को वरकटना के संबंध होता। हाँ विचार पर चर्चा कीजिए, ये तो लिखना नहीं है जस्ट चर्चा करना है। पाठ पढ़िए, पाठ पर प्रश्न के उत्तर दीजिए, पाठ पढ़ना है प्रश्न के उत्तर देना है। क्या है देखिए, इस कविता की कवयित्री क्या कहना चाहती है, कविता में कवयित्री क्या कहना चाहती है जो भ्रूण हत्याओं को रोकने के लिए कहना चाहती है ना, उसी के प्रकार जो आज लिखना है। माँ के लिए बेटी क्या क्या करना चाहती है, ये प्रश्नों को उत्तर तो हमने आपको लिखा है, ये प्रश्न का उत्तर तो हमने आपको लिखा है, यही उत्तर आप लोग लिख लीजिए अपने उत्तर पुस्तिका में। और देखिए निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए, इन भाव को स्पष्ट करना है। आने तो दे धुल जाएगा सारा का सारा रोकीला एहसास, क्या है आने तो दे धुल जाना दूर हो जाना, क्या है क्या, क्या दूर हो जाना सारा का सारा टोटल पूरा, क्या है रोकीला एहसास, रुखीला एहसास अंटे कष्टालु बाधलतो अनुभूतलतो कूडिनटुवंटि, और तेरे आंखों में तैरते ये समंदर ये आसमान के अक्ष मैंने देख लिए माँ, तेरे आंखों में तैरते ये आसमान के अक्ष, अक्ष का अर्थ है प्रतिबिंब, मैंने देख लिए है माँ, फिर चूसा ना माँ, है ना। हाँ नीचे दिए गए गद्यांश पढ़कर सही उत्तर पहचानिए, आप इस गद्यांश को पढ़ना है और इसके उत्तर भी लिखना है, ठीक है माँ। देखिए क्या है, कवयित्री बेटी को किसकी शोभा मानती, कवयित्री बेटी को किसकी शोभा मानती है, किसकी शोभा मानती है, गोदी की शोभा मानती है। हाँ वह अपनी शान का कारण किसे मानती है, शान गर्व, हाँ अपने गर्व का कारण किसे मानती है, भिखारी है ना। हाँ बेटी किसकी हरियाली है, पतझड़ की, किसकी हरियाली है पतझड़ की। हाँ देखिए और क्या है, यह का प्रयोग कवयित्री ने किसके लिए किया है, बेटी के लिए किया है। और क्या देखो, इस पद्यांश की कवयित्री कौन है, सुभद्र कुमारी चौहान, ठीक है। हाँ देखिए अभी यहाँ पर जो अभिव्यक्ति सृजनात्मकता, इसमें जो प्रश्नों के उत्तर है आप लोग अपने पुस्तक में लिखना है। देखिए माँ मुझे आने दे कविता समाज की किस स्थिति के बारे में बताती है, इसको भी हमने आपको पिछले गृहकार में बताया है, वही आंसर इस पर लिखना है, ठीक है माँ। और देखिए भ्रूण हत्या एक सामाजिक और मानवीय अपराध है, अपने विचार देखिए लिख लीजिए, सचमुच भ्रूण हत्या एक सामाजिक और मानवीय अपराध है, भ्रूण हत्या सामाजिक और मानवीय अपराध है, गर्भस्थ बेटियों को मारना भ्रूण हत्या कहलाती है, गर्भस्थ बेटियों को मारना भ्रूण हत्या कहलाती है, समाज में यह एक सामाजिक असमानता, समाज में यह एक सामाजिक असमानता स्त्री और पुरुषों के बीच में है, स्त्री और पुरुषों के बीच में है,
यह मनुष्यों द्वारा किया जाने वाला अपराध है। यह भ्रूण हत्या क्या है? मनुष्यों द्वारा किया जाने वाला अपराध। समाज स्त्री पुरुष दोनों का साकार रूप है। समाज स्त्री और पुरुष दोनों का साकार रूप है। इन दोनों का सामाजिक निर्माण, किन दोनों का? स्त्री और पुरुष, इन दोनों का सामाजिक निर्माण और विकास में समान महत्व है। विकास में क्या है? समान महत्व है। सामाजिक विषमताओं के कारण, सामाजिक विषमताओं के कारण ये भ्रूण हत्याएं हो रही है। ऐसे अपराध को समाप्त करना जरूरी है। इसलिए जो भ्रूण हत्या करेंगे, जो वैद्य, वैद्य यानी डॉक्टर, जो डॉक्टर इसके लिए स्कैनिंग लगाकर सहायता करते हैं, उन पर दोषारोपण करके खैर भी करनी चाहिए। उन पर दोषारोपण करके उनको खैर करना चाहिए। स्कैनिंग के लिए जो सहायता करते हैं ना डॉक्टर, उनको दोषी बनाकर क्या करना है? उनको खैद करना है। खैद करने का अर्थ है अरेस्ट करना है। ठीक है, देखिए, किसी एक इस विषय पर किसी एक महिला का साक्षात्कार करने के लिए प्रश्नावली तैयार कीजिए। किसी एक महिला का साक्षात्कार इंटरव्यू करने के लिए क्या करना है? प्रश्नावली तैयार करना है। क्या है देखिए, और प्रश्नावली करने का विधान जो लिख लीजिए। आपका नाम क्या है? आप समाज में स्त्री और पुरुष के बीच कोई असमानता देखते हैं? क्वेश्चन मार्क लिखना है। आपका नाम क्या है? आप समाज में स्त्री और पुरुष के बीच कोई असमानता देखते हैं? क्या बेटी को अधिक चाहते हैं या बेटे को? आप बेटे को अधिक चाहते हैं या बेटी को अधिक चाहते हैं? क्या आप भ्रूण हत्या का समर्थन करते हैं? क्या आप भ्रूण हत्या का समर्थन करते हैं? हाँ। आप भ्रूण हत्याओं को रोकने के क्या सुझाव देते हैं? आप भ्रूण हत्याओं को रोकने के क्या सुझाव देते हैं? क्या आपकी राय में, क्या आपकी राय, राय का अर्थ है दृष्टि, आपकी दृष्टि में समाज के निर्माण में स्त्री और पुरुष दोनों का समान महत्व है? आपके दृष्टि में स्त्री और पुरुष, समाज के निर्माण में स्त्री और पुरुष दोनों का समान महत्व है? क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, और क्या देखिए, समाज के निर्माण में स्त्री और पुरुष दोनों का समान महत्व है, इस पर अपने विचार, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग लिखिए ना। हाँ, देखिए, ध्यान से सुनिए। समाज स्त्री और पुरुष दोनों का साकार रूप है। समाज क्या है? स्त्री और पुरुष दोनों का साकार रूप है। इन दोनों का सामाजिक निर्माण और विकास में समान महत्व है। इन दोनों का सामाजिक निर्माण व विकास में समान महत्व है। स्त्री और पुरुष दोनों समाज रूपी शक्ति के दो रूप हैं। स्त्री और पुरुष समाज रूपी शक्ति के दो रूप हैं। अब वेदों में स्त्री की तुलना देवी से की गई है। वेदों में स्त्री की तुलना देवी से की गई है। कहते हैं कि जहां नारी का वास होता है, वहां देवता बसते हैं। आजकल स्त्रियां सेना में, सेना, वायुयान में, नाविका दल में, पुलिस दल में, राजनीतिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान है। स्त्रियों का है ना महत्वपूर्ण स्थान है। पुरुष के हार जीत के पीछे स्त्री का हाथ है। पुरुष के हार वोटमी, जीत गिल्पू, स्त्री का हाथ है। अटे गिल्पू वोटमी उनका स्त्री लचीय। और क्या, इससे हम कह सकते हैं कि समाज के निर्माण में स्त्री और पुरुष दोनों का समान महत्व है। इसलिए हम कह सकते हैं कि समाज के निर्माण में स्त्री और पुरुष दोनों का भी समान महत्व है। कोई ज्यादा नहीं, कोई कम नहीं है। दोनों के बिना समाज की कल्पना करना असंभव है।
ठीक है। आप देखिए अभी भाषा की बात व्याकरणांश में देखिए, जैसे खुशबू, खुशबू हाँ पर्याय शब्द लिखना है, सुगंध सुवास, सुगंध सुवास, समुंदर सागर और समुद्र, दंभ अहंकार, अहंकार गर्व, और दूसरा देखिए सदी, सदियां, मोती, मोती, किस्सा, किस्से, किस्सा का अर्थ क्या है स्टोरी, किस्से स्टोरीज। देखो हाँ सूचना पढ़िए और उसके अनुसार कीजिए, क्या करना है, मोती सीपी विग्रह का समास पहचानिए, मोती हाइफन को क्या कहते हैं योजक, जो और का जो प्रयोग हुआ है वह कौन सा समास है, द्वंद्व समास है, क्या है मोती और सीपी, मोती और सीपी कौन सा समास है, द्वंद्व समास है, ठीक है मां। हाँ उदंडता विशेषता कोमलता मधुरता, ता प्रत्यय का उपयोग समझिए, तीन शब्द और बनाइए, हर शब्द में भी अंत में क्या है प्रत्यय, प्रत्यय अंत में एक या दो वाक्य जुड़कर उस अर्थ की विशेषता को जो बदलाव चेंजेस लाते हैं, परिवर्तन लाते हैं या उस अर्थ की विशेषता को बदलते हैं, इन शब्दों को क्या करते हैं प्रत्यय कहते हैं। कैसे देखिए उदाहरण के लिए अपन यहां पर तीन और शब्द भी बनाने हैं, जैसे मानव, मानवता ह्यूमैनिटी मनुष्य का एक विशेष गुण है, जैसे और क्या है जैसे सुंदर सुंदरता, जैसे सरल सरलता, ठीक है इसी प्रकार के ऐसे शब्द और भी कई शब्द हैं। हाँ कविता में तीन भाववाचक संज्ञा ढूंढकर लिखिए, जैसे उदंडता, हाँ उदंडता और क्या है भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा आप लोग देखिए उसमें है पुस्तक में, उदंडता और क्या है रुखीला, ऐसी प्रकार के और भी शब्द ढूंढकर लिखना है। और नेक्स्ट क्या है देखिए रुखीला अकड़ीला, जैसे शब्दों में ईला प्रत्यय है इसी तरह के दो शब्द, रुखीला अंत में प्रत्यय है ना ईला प्रत्यय है, जैसे खर्चीला ईला, हमने दूसरे पार्ट में पढ़ा है भड़कीला ईला है ना, ऐसे शब्दों में ईला भी प्रत्यय है। और क्या है जहरीला पॉइजनस है ना, ईला प्रत्यय है, इस तरह के शब्द। और भी इससे संबंधित और कुछ शब्दों को हम आपको गृह कार्य में दिएंगे, हम आपको गृह कार्य में दिएंगे ठीक है, तब तक आप लोग इनको पढ़ते हुए आप लोग भी उसको अपने पुस्तक में लिख लीजिए, फिर हम आपको अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक आपको धन्यवाद।